चंदौसी बार एसोसिएशन चंदौसी के अध्यक्ष पद समेत 5 पदों पर चुनाव कचहरी परिसर स्थित बार रूम में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद पर राजेश यादव और सचिव पद पर सुनील कुमार सिंह विजय हुए। विजेताओं के समर्थकों ने आतिशबाजी के साथ ढोल नगाड़ों पर थिरककर जश्न मनाते हुए खुशी का इजहार किया। देखिए, हमारे बार को श्री राजेश यादव जी जैसे ही अध्यक्ष की जरूरत थी। राजेश यादव जी जब पूर्व में रहे थे तो बहुत वर्षों से एक मांग लंबित थी कि यहाँ पे जिला न्यायाधीश का न्यायालय की स्थापना हो। तो राजेश यादव जी ने पिछली बार भी यह ऐतिहासिक काम किया था, जिला न्यायालय की स्थापना जो है यहाँ पे कराई थी और तमाम सारी कोर्ट्स आई थी। अभी बहुत सारी समस्याएं हमारे यहाँ पे न्यायालय में हैं, टीन शेड नहीं पड़े हुए हैं और बिल्डिंग भी बननी है, जिससे हमारी कोर्ट जो है कोई पावर हाउस में चल रही है, कोई कहीं दूसरी अन्य जगहों पे चल रही है। तो श्री राजेश यादव जी से ये उम्मीद है और वो उनकी कार्यशैली भी इस तरह से है, वो शासन स्तर पे हो चाहे हाईकोर्ट स्तर पे हो, उनके अच्छे रिलेशंस भी हैं और वो बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो हमारी उनसे यही उम्मीद है कि वो जितनी भी जो कमियाँ हैं हमारे न्यायालय परिसर में, टीन शेड की हो या न्यायालय की बिल्डिंग की हो, वो इन सब चीज़ों को पूरा करेंगे। राजेश यादव जी जो है हमारे चंदौसी बार के लोकप्रिय नेता रहे हैं, वह जो है पहले भी जो है चंदौसी बार एसोसिएशन चंदौसी के अध्यक्ष रहे हैं। उनमें जो है कार्य क्षमता की दृष्टि से और कुशल व्यवहार के कारण वो जो है अपने नेतृत्व करने में सफल रहेंगे और आगामी जो समस्याएं हैं अधिवक्ताओं की, युवा अधिवक्ताओं की, वरिष्ठ अधिवक्ताओं की, कोई भी अधिवक्ता उनसे अछूता नहीं है। और निश्चित मानिए आपके जिस आशा से चंदौसी बार एसोसिएशन चंदौसी के अध्यक्ष राजेश कुमार यादव जी को जिताया गया है, वो अधिवक्ताओं की भावनाओं के अनुसार काम करेंगे और अधिवक्ता हित में सम्मान में ये आधी रात जो उपस्थित रहते हैं और इनके इसी व्यवहार के कारण ये जो है लोकप्रिय हैं। तो मेरी स्वयं का ये मानना है, क्योंकि मैं चंदौसी बार एसोसिएशन चंदौसी का पूर्व सचिव भी रहा हूँ, हमने जो है खुल के इनका जो है समर्थन किया और हमारे साथियों ने, युवा साथियों ने, वरिष्ठ अधिवक्ताओं में कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो इनका मतलब न्यायालय में, न्यायालय की कार्यशैली, न्यायालय का संचालन में, बार और बेंच में सामंजस्य बनाने में, ये सारे मन माफिक तरीके से वाकिफ हैं। तो इन्हें जो है चूँकि अनुभव है, अनुभव के आधार पर मुझे आशा करता हूँ कि ये जो है बहुत ही अच्छा नेतृत्व देंगे और जो है ये अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। इसी आशा के साथ जो है मैं जो है पुनः जो है इन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। राजेश यादव जी जो है अधिवक्ताओं के हित में काम करें, मेरा इनसे यही अपील है। मेरी सबसे पहले प्राथमिकता एक ही रहेगी, जो यहाँ सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है अधिवक्ताओं की, कि यहाँ उनके चैम्बर्स पे टीन शेड नहीं है, जिससे बारिश में आके धूप और बारिश में उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी, इस संबंध में आज मैं जिला जज साहब से ही वो बात करूँगा कि सबसे पहले अधिवक्ताओं के चैम्बर्स पर टीन शेड में डलवा पाऊँ। और उनके चैम्बर्स में जल भराव की समस्या है, वहाँ पे टाइल्स लगवाने की व्यवस्था मैं कराऊँगा, जिससे कि जल भराव की समस्या ख़त्म होगी और उनके टीन शेड पड़ जाएंगे तो उन्हें बैठने का आराम होगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरा, मैं सभी अधिवक्ताओं के सामूहिक बीमा की परंपरा शुरू कराऊँगा, जो अब तक किसी ने नहीं की थी, मैं इस बार से सामूहिक बीमा योजना शुरू कराऊँगा। दूसरे, हमारे यहाँ चंदौसी जिला जज कैंपस में कोई लाइब्रेरी नहीं है, मैं लाइब्रेरी की व्यवस्था कराऊँगा, जिससे कि अधिवक्ताओं को पढ़ने हेतु अच्छी किताबें मिल सकें और जो है बार और बेंच में सामंजस्य सही प्रकार से स्थापित करूँगा। और अधिवक्ताओं की जो भी समस्याएं होंगी उनके लिए मैं 24 घंटे तत्पर रहकर सभी का निराकरण कराऊंगा। वार रूम हमारा सिंगल मंजिल है, मैं प्रयास करूंगा कि लोगों के सहयोग से उसे एक मंजिल और बनवा पाऊं। यहां हमारे न्यायालय कक्ष में अधिकारियों की बैठने की भी अभी पूरी कोर्ट्स नहीं है, हम हाई कोर्ट में पैरवी करके हम कोशिश करेंगे कि ये एक मंजिल और इमारत बन जाए हमारी, जिससे कि हमारी और कोर्ट जो इधर उधर दूसरी जगह चल रही है वो सब एक ही जगह शिफ्ट हों, जिससे अधिवक्ताओं की सारी परेशानियां दूर हों। तो वो इसी बिल्डिंग के ऊपर एक इमारत और बनवा के मैं सारे कोर्ट्स एक ही जगह लाने का प्रयत्न करूँगा। ये मेरी प्रथम बोल रही है।